आइए सदस्य समाज, आप सभी को सादर सादर सेवा व्यवहार। मैं धर्मीराज डॉक्टर सिंह और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी यूट्यूब चैनल। आज देखिए, हम आज आए हैं हमारे गुड़वाना की एक पवित्र आस्था स्थल देवडोंगरा, जो हमारे कुमारधारा जिला के गोल्ला ब्लॉक के झलमला के पास स्थित है। झलमला से 2-3 किलोमीटर के दूरी में यह स्थित है देवडोंगरा। जहाँ आप आएंगे झलमला से रेंगा खार वाली रोड में आएंगे, तो वहाँ पे आपको सुरवाही नाम का गांव मिलेगा। उस गांव के पहले आपको एक साजा के पेड़ में बोर्ड टंगा हुआ देखेगा, जहाँ पे गुड़वाना पेनमढ़िया देवडोंगरा लिखा है। उसी अब देवडोंगरा के स्थान में हम आए हैं। देखिए इधर नेचुरल प्राकृतिक झरना, और ये है हमारा कुंड, जहाँ हमारी गुड़वाना की इस क्षेत्र की सगा समाज की यह मान्यता है, आस्था है कि इस कुंड में स्नान करने से किसी भी प्रकार से जो मन्नत होती है, और अगर आस्था विश्वास के साथ यहाँ पे अपना इच्छा रखे, मन्नत करे, तो वह जरूर पूर्ण होती है। ऐसी हमारी एक मान्यताएं हैं, विश्वास है। इस स्थान के पुजारी जो हमारे अभी के वर्तमान 2023 के विधानसभा प्रत्याशी थे, हमारे तिरुमाल परमादरणीय प्रसादी लाल कुंडरे भैया जी हैं, जो इस थाना की भूमिका है, और उसी के नेतृत्व में इस थाना में सेवा होता है, चैत्र जो पर्व होता है नारुंग माई सेवा, वो उस समय यहाँ पे फुल फुलवारी जब जमारा होते हैं, और जो भी बदना वाले हैं वो ये क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के अलावा मध्य प्रदेश से लगा हुआ यह क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह की हमारी गुंडियन जनों के ST/ST OBC की एक आस्था स्थल है, मान्यता है, जिसके मान्यता को हम लेकर के चलते हैं। और हमारी जो दुख तकलीफ परेशानी जो उनसे दूर होती हैं, ऐसे इस क्षेत्र के लोगों की विश्वास है, आस्था है। तो इस प्रकार से हम आपको ये देवडोंगरा के स्कूल को दिखाएँ, ये झरना है। उसके बाद फिर वहाँ हमारी जो पेनमढ़िया के लिए स्थान दिया गया, उसको भी हम आप लोगों को ले चलेंगे। या जो दूरांचल और वनांचल के क्षेत्र में यहाँ बसा हुआ पहाड़ है, यहाँ पे एक कहावत भी है कि एक किंवदंती है कि यह जो स्थान वो स्थान है जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज यहाँ के जल स्रोत में यहाँ विश्वास रखते हुए अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना को पूर्ति करते थे। यहाँ जो आप वहाँ देख रहे हैं, जहाँ जल गिर रहा है वहाँ नीचे से एक सुरंग है, यानी गुप्त रास्ता है, जो झलमला के पास एक पितराही नाम का जो नदी है वहाँ पे बाबा देव का स्थान है, तो वहाँ पितराही में निकला है, ऐसे बोलते थे पहले हमारे सियाना लोग। आज भी बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि पितराही से अगर बांस डालो तो वो देवडोंगरा में निकलता है। इस प्रकार से हमारी मान्यता है। इस पहाड़ के ऊपर एक फूल डोंगरा है, जहाँ पे इतना मोटा ऐसे राड घुसे जैसा पत्थर पे ऐसे सुरंग है, जहाँ पानी भरा रहता है, वो भी जल का स्रोत ऐसा है जो जाते हैं किसी को जल पानी पीने को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से वहाँ भी ऐसे कितना गड्ढा में है वो सुरंग, उसका कितना गड्ढा गया आज तक के कोई पता नहीं लगा सका। इस प्रकार से हमारी इस आश्चर्य सभी गुणवाना की स्थल है। तो चलिए आप सभी को किरात सेवा जोहार। आप देखिए पत्थर की सीढ़ी है, पत्थर की सीढ़ी से चढ़ के वहाँ पेनमढ़िया, ऊपर में पेनमढ़िया बना हुआ है, पत्थर की सीढ़ी बना हुआ है जो प्राचीन काल से, और इसी पत्थर की सीढ़ी से चढ़ के हम लोग हमारी जो यहाँ से स्नान करने के बाद पेनमढ़िया में है वहाँ जाते हैं। आइए आप लोगों को ले चलते हैं हमारे पेनमढ़िया में, हमारे खेल खाना में। ये देखिए पहाड़ में जिस प्रकार से पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये है जो हमारे पेनमढ़िया, यहाँ पे हमारे पेन पत्ता, पेन झुमका, पेन सगा और पेन झुमका का प्रतिस्थापना किया गया है हमारे गुणवाना भूमिकाओं के माध्यम से। ये देखिए हमारे माता
शक्ति माता की जो स्थापना हुई है, हमारी ये शक्ति माता है जिसकी स्थापना हुई है, ये चिंता वाले धर्म शक्ति है, माता कलिकंकालीन की स्थान है। उसके बाद यहाँ से इधर से ऐसे आप जाओगे तो रास्ता उधर ही से आए हैं। यहाँ देखिए हमारे प्राकृतिक शक्ति को सबको इलाज मानती हैं। ये सल्ला कांगड़ा जो बना हुआ है हमारा मोनो, देखिए चलिए आगे, ये हमारे पेन दरवाजे पे सल्ला कांगड़ा है और अंदर में माता कलिकंकालीन दाई की प्रतिमा है और हमारे नारू माई की पेन शक्ति, यहाँ पेन मरिया है, अंधेला है, अंधेला है। देखिए ये यहाँ पे हमारा जब फुलवारी फुल फुलवारी होते हैं, ये हमारे नारू माई का स्थान है, मरिया में जो चलता है हमारा मयूर का झाल। ये देखिए यहाँ पे एक तो प्रतिमा जो है रखा हुआ है, ये जो प्रतिमा है माता कलिकंकालीन दाई की, ये प्राचीन इसका प्रतिमा है। देखिए ये है माता कलिकंकालीन दाई की प्राचीन पत्थर से बना हुआ प्रतिमाएं। इस प्रकार से ये हमारी स्पेन मढ़िया है जहाँ पे हमारे लाखों की संख्या में हमारे सगाजन यहाँ चैत्र पर्व के नवरात्रि में नारूमाई सेवा होता है, उस समय यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। और आप सभी से यही अपील है कि आप भी इस दर्शन करने के लिए जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आप हमारे भूमिका से संपर्क करें और अपना जो भी परेशानी है उसके लिए आप हमारे पेन शक्ति के ऊपर विश्वास रखें, आपका जो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आज लाखों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है तो जरूर कहीं ना कहीं सभी का मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बस हम पूरे अपने भाइयों के साथ में आए हैं अंजना तरफ से, पहाड़ से ऐसे जंगल से जड़ी बूटी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पेन मढ़िया है, तो इसके दर्शन के लिए मैं इतना बार आया था लेकिन एक बार ऐसे मौका नहीं मिला था कि यहाँ मैं आके दर्शन करूँ। ऐसा मुझे मौका मिला, अवसर मिला, तो मैं आज आप लोगों को, मैं सोचा कि आप लोगों को भी इससे रूबरू करा दूं। तो फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए जड़ी बूटी के साथ, नया पेन ठाना के साथ। सेवा जोहार। Thank you.